हेलो गाइस, केडो हाल है के मुनाचो कसकाय। सो बने रहिए, हम लोग जा रहे हैं अभी फिर मॉल। सो अभी अभी प्लान चेंज हुआ है, मैं जूते पहनने वाला हूँ। जूते पहनने के बाद ही मैं आऊंगा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। बोला है मेरे से क्यों जीतू भाई? बस ये बंदा मेरे साथ जुड़ने वाला है, इसको आप जानते हो पहले से ही। तो मैं क्या बोला, पहले शूज पहन के आऊंगा, फिर हम मिलेंगे आपको। इस बार का जो ब्लॉग है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग मॉल के अंदर जाने वाले हैं। मॉल के अंदर का जो भी है हम एक्सप्लोर आपके साथ करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताएंगे कि इस मॉल के अंदर क्या है क्या नहीं है। ओके तो गाइस, वो जुड़ चुका है मेरे साथ। देख लीजिए, फीफा आने वाला है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिस्टियानो। आप लोग बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? तो मैं तो क्रिस्टियानो का फैन हूँ, आपको पता ही है। ये मेसी का फैन है। सो गाइस देख लीजिए। तो हेलो जीतू भाई, क्या हाल है? इस बार मास्क हट चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको, ये बताइए मेरे को। जेल से आजाद हो गया ऐसे लग रहा है। चुप कर बे कुत्ते, क्योंकि ऑलमोस्ट दो से तीन साल हो गए हम लोग को। मास्क हमारे चेहरे पे रहता था हमेशा और मैट्री था, क्या बोलते हैं, अभी तो हट चुका है, अभी टेम्पररी वाला सीन हो गया है। बाहर हटे, अंदर नहीं। यस, आप किसी भी रेस्टोरेंट या मॉल में जाओगे तो मास्क पहनना कंपलसरी है भाई। तो बहुत ही रूल रेगुलेशन के मामले में भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इनसे जान सकते हैं आप क्या है क्या नहीं। तो भाई बोल रहा है तो ठीक है। ओके, आप इंडिया से आओ, हाँ या कम से कम मास्क पहनना जरूरी है। आप एयरपोर्ट में पहनो, बाहर नहीं पहनो चलेगा। हाँ, मॉल में जाना जरूर पहनना। अगर नहीं पहना 3000 ग्राम का फाइन है और इंडिया का होता 65,000। क्या बोला तूने? देख रहे हो, एक बाइक आ जाएगी आपकी। देख रहे हो लड़के की फीलिंग, समझ रहे हो आप, क्योंकि इसको फटका पड़ चुका है 3000 दिरहम का। गाइस आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ओके, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। मेरे दोस्त ने मेरे को क्या बताया, सजेशन दिया, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था उसने। उसने मेरे को बोला था कि ऐसा ऐसा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही भयंकर होने वाला है आगे। रास्ता भी भूल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ है। मैं फर्स्ट टाइम गया था तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, मैं भूल गया था रास्ता। What's up, bro? Good. What's up? तो हम ग्रोसरी के अंदर आ चुके हैं। भाई ने ले ली है, क्या ले रहे? Mango. Okay. सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, खाने वाने से रिलेटेड सब कुछ, मतलब परचून की दुकान समझते ना, बस वही है। तो हेलो गाइस, चलिए मेरे साथ आइए। रंगीन नजारा आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा, ये लाल पीला हरा नीला काला सफेद। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शोर है तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुँच पा रही होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये हरा पीला नीला पीला काला सफेद, यहाँ पे को हम लोग अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो पगली गया। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। तो हमने जाने हमारी डेस्टिनी वो है, ओह माय गॉड, वाओ, परफेक्ट बॉल। तो हम वहाँ जा रहे हैं, आपको बताएंगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। आपको बताइए, मेरा डायलॉग भी है पुराना। तो हम लोग जाएंगे वहीं एयरफील्ड मॉल के अंदर, कैरी फॉर होता है, क्या होता है, क्या उसके अंदर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, हम आपके यहाँ शेयर करेंगे। ओके, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, हम जा रहे हैं उधर। ओके, ओह माय गॉड, जेब्रा क्रॉसिंग, एक खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। हम पहुंचने वाले हैं यहाँ, हम एक्सप्लोर करेंगे सबसे ज़्यादा कैरी फोर का, ज़्यादा आपने देखा होगा थंबनेल में। सो कैरी फोर के बारे में आपको हम अच्छे से बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्या तू भाई? सही है, भाई भी बताएगा आपको बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है। अरे बाबा, ठीक है। सो हम मैक्स है, यस यस यस, सेंटर पॉइंट है, यस, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारी चीजें हैं अंदर। हम लोग भी, हम लोग के लिए भी अच्छे मिलते हैं परफ्यूम, एक नंबर, यस।
परफ्यूम अच्छे मिलते हैं बोले ना भाई ने, तो फिर तो परफ्यूम अच्छे मिलेंगे उसके अंदर और ब्रांडेड होंगे सारे के सारे। ब्रांडेड बस yes. वो लाखों करोड़ों में जाती हूँ। यस भाई ने बोला है तो बस होगा वही चीज। तो मैं तो गया नहीं हुई भाई, तो बहुत बार गया। कितने बार गया भाई तू? बहुत बार गया भाई मैं तो, ये सेकंड टाइम मेरा। तो मैं तो आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था राइट। या सो हम क्या विजिट करते हैं अभी कहते हैं गेट पे। सो हम लोगों ने ग्रीन पास दिखाना है और क्या हैं अंदर कहते हैं विजिट करना है ठीक है। सो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए गाइस मेरे साथ चलिए, आइए। कंट्रोल। हेलो सर, ओपन करो इसका। ओके ये ग्रीन पास जरूरी चाहिए मॉल के अंदर घुसने के लिए, तो मैं ग्रीन पास में दिखा रहा हूँ। ओके हेलो सर आपके तो बड़ी सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डियर फॉल्ट मॉल के अंदर। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लीज़ कम। तो बने रहिए हमारे साथ ठीक है, हमारे कैमरा मैन हमारे साथ हैं। ओके थैंक यू। हेलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं सुपर कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमारा इधर पूरा सामान मिलता है। टॉयज चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए, चार्जर चाहिए, वो क्या चाहिए आपको? पूरा का पूरा रिपेयरिंग के लिए भी कुछ चाहिए तो कर सकते हैं। मुश्किल नहीं, प्ले स्टेशन का रिपेयरिंग, मोबाइल का रिपेयरिंग, इवन आदमी लोग का भी रिपेयरिंग करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बताएं। सब कुछ आपको रिपेयरिंग मिलती है, रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको जो भी कुछ चाहिए, क्या बताएं, या फिर आपको रिपेयर करना है फोन या वगैरह जो भी है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। भाई से मिल सकते हैं, भाई आपका नाम? मशरूम भाई का नाम है। तो प्लीज़ आप विजिट कर सकते हैं इनकी दुकान पे, सॉरी मॉल के अंदर। क्या नाम है? सुपर कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप विजिट कर सकते हैं, भाई से मिलिए। भाई आपसे क्या बोलते हैं, जो भी कहते हैं आपकी परेशानी उसको आएगा तो उसको अच्छा से डिस्काउंट मिलेगा। भाई ने बोल दिया तो बस। भाई सर्च कर रहे हैं मेरा चैनल, थैंक यू सो मच, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरा, थैंक यू बड़ी, टेक केयर। जो गेमिंग से रिलेटेड मेरे भाई लोग हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। कीबोर्ड्स वगैरह हैं और प्ले स्टेशन वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, मतलब मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। और जो गेमिंग वाले बंदे हैं उनके लिए तो मतलब जल्दी वो समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। हाँ कैरीफोर जाएंगे। ओके हम कहाँ जा रहे हैं ब्रो? कैरीफोर। लेट्स गो, हटा दे इधर फोर्थ फ्लोर पे। तुम बताया करो मैनू यार, कैरीफोर में भूल गया उठे कैरीफोर। चलो कम। आगे से नोटबुक से इनके प्राइस देखो, बट ये सबसे एक्सपेंसिव है। टीसीएल एक टाइम में इसके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ को चेकआउट कर सकते हैं। आईफोन 14 का प्राइस एंड ये थर्ड जनरेशन एयरपॉड्स। ये है अभी फीफा वर्ल्ड कप चलने वाला है, तो कहते हैं फीफा से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके तो आप जैसे कि मैंने एक पुर्तगाल की जैसी क्या कहते हैं यहाँ पे परचेज की थी, कैलिफोर्निया की परचेज की थी। तो अभी कहते हैं आपके पास तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे को छोटे छोटे साइकिल्स वगैरह यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। कुछ बोलना चाहेगा कैरीफोर के बारे में? सभी ब्रांडेड मिलते हैं आइटम, सब ब्रांड मिलता है। फेवरेट का टेडी बियर है, ये फोटो ले, फोटो
रिमोट कंट्रोल कार्स बसेस वगैरह छोटे छोटे बच्चों के लिए सही है। वो भी हम मल्टीमीडिया विजिट करते हैं उसके बाद लास्ट है टेलीफोन का यहाँ पे दिखते हैं वॉशिंग मशीन का प्राइस दिखा दी 40,000 ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आई लाइक बड़ा है और बेहतर है इसमें सभी दारू रख सकते हैं। ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सो क्लोज भाई की चॉइस देख रहे हो ये देखो इसका खास डेप्थ है इसकी 76 cm और हाइट है 192 cm एंड वेट है 70 cm प्लीज देखो अंदर अंदर का दिखाइए प्लीज बेहतर है ना खूबसूरत है ऊपर दारू के लिए बर्फ आइस जमा सकते क्या सोच है रे तेरी बात है ये इन भाई की भाई साहब की क्या बोलते हैं वो है इनकी ख्वाहिश है जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली वरुण के पैनासोनिक के Philips का पिलाएगा तो पी लेंगे इजिप्ट के आम है खा सकते हैं आप लोग ये काम कितने का ऐसा है लाले खा लेते इसमें यार तो इसमें अच्छा लगता है ब्रो चेरी है ये क्या है एवोकाडो एवोकाडो मेरा प्यार है अभी मैं बता नहीं सकता आपको माय गॉड बेटर ना तो यहाँ कुछ चेकआउट कर सकते हैं आप लोग देख लो करो तेरे को पसंद नहीं है क्या कैंडीज मिलती हैं यहाँ यस परफ्यूम जो भी है एक्सपेंसिव परफ्यूम ये गुची है भैया हाँ प्राइवेट कलेक्शन रेगुलर कलेक्शन ये यूनिसेक्स है अभी मेन वोमेन दोनों का है इसका प्राइस है 900 850 अच्छा 900 दिरहम दिरहम और इसका प्राइस है रेगुलर प्राइस 350 375 400 तो गाइस देख सकते हैं गुच्ची का प्राइस अभी कितने हैं इंडिया के हिसाब से क्या चल रहा है समथिंग क्या 40,000 या 20,000 समथिंग या तो गुच्ची का प्राइस यही है अपनी चॉइस तो यही है गुच्ची ये प्राइस है 900 मिनिमम इंडिया का हो गया 20,000 का परफ्यूम ही है खाली 20,000 का परफ्यूम है और इसका है कुछ 8,000 के लगभग तो ये है 8,000 क्या बोला आपने प्राइस 8,000 इसका प्राइस है वो बताओ मैं प्राइस को बताइए इसका आएगा आपको 350 370 तो 8,800 900 वाला कौन सा आ रहा है बोला आपने 900 वाला ऊपर आ रहा है मैं आपको 350 वाला समथिंग दिखा रहा हूँ 350 समथिंग बोले तो 8,000 से 9,000 समथिंग ऐसे भाई इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है कोई नहीं आज नहीं तो कल मेरे पास होगा ये दोनों भाई वाला दिखाइए मेरे को 8,000 वाला प्लीज यार ये लास्ट वाला मैन वाला यस ये है तेरा आपका 900 दिरहम्स का क्या बोलते हैं परफ्यूम है गुच्ची का बहुत ही एक्सपेंसिव है और मोदी 18,000 19 20,000 समथिंग का इसका ये देख लीजिए भाई बहुत ही खूबसूरत है
और बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। 20,000 का परफ्यूम है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ब्रो, हम लोग जा रहे हैं 4th फ्लोर पे, ओके? दैन क्या बोलते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, तेरे को पता है कुछ 4th फ्लोर पे क्या है? क्या है? चल तो एक्सप्लोर करते, दिखा बताने से मतलब नहीं है, दिखाएंगे। मुझे 4 लैंग्वेज आती है। चुप, बिल्कुल चुप। कैसा लग रहा है आपको ये, क्या बोलते हैं, मॉल के अंदर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हॉलोबीन अभी आया नहीं है। हॉलोबीन कब है यार, कुछ आइडिया? आई थिंक नेक्स्ट मंथ है। पूछ ले एक बार, आप पता है विच वन मंथ इट्स हॉलोबीन? नवंबर 1। या चेक दिस आउट ब्रो, ये शाही प्याले मेरे को एक दोस्त के लिए लेके जाने वाले। इधर आ जाओ, ये गॉबलेट, छोटा सा गॉबलेट है। क्या प्राइस इसकी देखता हूँ मैं, इसके आज में ब्रो क्या प्राइस इसकी कुछ बता सकता है? प्रिडिक्शन देखता है कुछ, तू अपनी देना चाहेगा कुछ प्रिडिक्शन अपनी? इसकी 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 प्राइस क्या है? इसकी इसकी, हाँ इसकी प्राइस देख। अगर तुझे इसकी प्राइस है मतलब 15 ग्राम इंडिया का हो गया 400 रुपये, तो ये मैं लेके जाऊंगा ब्रो। 1,400 का है, एक रुपये चाहिए ब्रो। अगर हाथ से टूट गया तो 400 इसको भरना पड़ेगा इधर। पैसा अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, दो तो मैं लेके जाऊंगा 200 रुपये से। यहीं से लेके आना। कलेक्शन देख सकते हैं, मेरे को तो ये पसंद आया गॉबलेट, वाइन ग्लासेस के लिए स्पेशली। टोपी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या बोलते हैं ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं वाइन्स के लिए अच्छा है। ये चाय भी पी सकते हैं ब्रो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, हम पहाड़ी लोग हैं, हम चाय पियेंगे इसमें। क्या बढ़िया था गुरु। वो बोलते हैं फ्लूट, आई थिंक मेरे हिसाब से तो फ्लूट ही बोलेंगे, पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं। और ठीक है, अच्छा है, तो मैंने क्या बोलते हैं सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं जब छुट्टी जाऊँगा तो मैं ये लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ आपका और चीज़ क्रॉकरी वगैरह हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जापनीज कलेक्शन, ठीक है? मॉल के अंदर जापनीज कलेक्शन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं आपको क्या बोलते हैं वो चीज़ दिखाता हूँ मैंने जो देखी है, ओके? ये है जापनीज कलेक्शन, आप देख सकते हैं क्रॉकरीज वगैरह भी हैं यहाँ पे, एंड फ्लावर्स हैं, अम्ब्रेलाज हैंड्स है, एंड ये कुछ डायनासोर भी हैं, उसके बाद ये छोटा मोटा क्रॉक्स वगैरह। अनफॉर्चुनेटली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, तो मैं नहीं देखूंगा ये चीजें। सो हम जाएंगे अभी आगे, जीतू अरे भाई सिनेमा हॉल विजिट करते हैं, देखते हैं अगर कौन सी कोई मूवी अगर पसंद आती है हम लोगों को। तो विक्रम बेटा देखेंगे तू, तेरे को पसंद है या नहीं है? विक्रम बेटा पसंद है, पसंद अब तो सच बोल दे भोसड़ी की, वो देखना चाहेगा। चलो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लैक एडम के लिए, हम तो वेट कर रहे हैं वैसे भी। ब्लैक एडम बेबी के 21 अक्टूबर को रिलीज होगी, ब्लैक एडम मैं देखूंगा, ओके? ये तो देखेगा नहीं। ब्रांड तो है ब्रो, ब्रांड तो है, तो हम जाएंगे। अब आपको हम एक कालीन दिखाते हैं, बहुत ही भयंकर कालीन, बहुत ही महंगी कालीन, दुनिया की सबसे महंगी कालीन। ये देखिए मेरे पीछे सबसे महंगी कालीन, दुनिया की सबसे महंगी कालीन देख सकते हैं आप। हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं होम फर्निशिंग में, ओके? देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। ब्यूटीफुल,
नेक्स्ट लेवल है। फिनिशिंग राइस सो मच ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। न्यू अराइवल है मेरे पीछे जो भी है, न्यू अराइवल। ओके चेक दिस आउट गाइस, मेरी तो बोलती बंद हो गई है भयंकर ये देख के। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, झूमर्स देखे, झूमर्स। फोर्थ फ्लोर मतलब मैं समझ गया भाई का मतलब, फोर्थ फ्लोर कहने का मतलब क्या था। फोर्थ फ्लोर पे ना जो व्यूज मेरे को मिले हैं ना, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। जो डियरफील्ड मॉल के बारे में गलत सोचते हैं वो सच में गलत है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं डियरफील्ड मॉल के बारे में, देखो मेरे को जो चीज़ें मिल पता चली हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं यार। मॉल के अंदर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आपको बस विजिट करना है और क्या बोलते हैं बस पैसा खर्च करना है, दैट्स इट, नथिंग नथिंग मोर नथिंग लेस। बस हो गया, मैं इतना कहना चाहूँगा बहुत कुछ अच्छा है। 50-70% ऑफ चल रहा है अभी, लाइट फेस्टिवल चल रहा है अभी, क्योंकि लाइट फेस्टिवल बोले तो दीपावली हमारे लिए, बिग ब्राइट चल रहा है जो भी है, क्या बोलते हैं इतनी सारी चीज़ें। हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में। क्या है इसका नाम, क्या है शोरूम का, मैं क्या ब्रो पेंट कर रहे हैं जो भी है लाइटिंग वाला वगैरह जो भी है, फोर्थ फ्लोर पे मिल जाएगा आपको ये डियरफील्ड मॉल के अंदर। ओके क्रॉकरीज वगैरह बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं, मतलब मेरे को मज़ा आ गया, मतलब यार मतलब मैं मेरा मतलब डियरफील्ड मॉल आने का मतलब ना जो मेरा मकसद था, मेरे को लगा कि यार अंदर से उतना खास नहीं होगा, बट बहुत ही खूबसूरत है। बैथ से रिलेटेड हो गया, एनीथिंग एल्स हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ बैथ से रिलेटेड। कम कम विथ मी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, लग्जरियस लाइफ अगर तुम्हें जीनी है तो भाई यहाँ विजिट कर और खरीद ब्रो, तेरा पैसा है तो तू खरीद ब्रो, बात तो सही है। इसकी प्राइस देख ले भाई, इसकी इसकी प्राइस है 2.5 लाख के आसपास। आए 10,000 है उसकी ग्राम बोल। ये देखो यार, ये देखिए गाइस, ये लॉबी वगैरह का, लॉबी वगैरह के लिए अगर आप लेना चाहें तो अगर आपको ग्रीन से रिलेटेड अगर कहते हैं तो चाहिए बढ़िया था, ये भी खूबसूरत है थोड़ा, ये उसके मामले में तो बेटर है। वो देखो वो दिखा, ठीक है जी, रेडी। मैं तो क्या बोलते हैं थोड़ा तुम्हारा घर में क्या बोलते हैं बगीचा लगाऊंगा, क्या बोलते हैं इन पे इनका पैसा ही पैसा होगा, फ्लावर्स का इतना खूबसूरत है। ओके कब कब ये बेटर है। इसके प्राइस भी उससे बेहतर है। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी, तो चल निकल रहे हैं, हमारा एक्सप्लोर हो चुका है। कुछ बोलना चाहेगा तू, पैसा बहुत है भाई के पास यार, पैसा बहुत निकाल दिया भाई ने। हाँ तो सैलरी आई है भाई की, लीव सैलरी आई है भाई। तो करने वाला है बुम्बा में भी, ये पार्टी है इसकी, भाई की पार्टी है, फुल ऑन पार्टी है, फुल नाइट आ तो फुल टाइट फुल नाइट है। तो कितने भाई अभी बताएगा
कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या होता है, हमें कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अभी फोर्थ फ्लोर पे ना, लास्ट है फोर्थ फ्लोर, बेस्ट हो जाएगा इतना ही पता। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं फैबीलैंड पे, तो मेरे पीछे देख सकते हैं अक्टूबर बर्थडे वाले गाइज, हैप्पी बर्थडे, मेरे पीछे देख सकते हैं। ओके देखिए फैबीलैंड पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आपको जाना पड़ेगा और 50 ग्राम देने पड़ेंगे, तो क्या बोलते आपको राइड करनी है तो प्लीज आ सकते हैं आप लोग, यहाँ विजिट कर सकते हैं। ओके मेरी फेवरेट प्लेस है, देख लीजिए बर्गर की। सो गाइस अभी अभी फटका पड़ा है भाई को युगांडा वाली बंदी से उसने बोला लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज फर्स्ट ब्रो, ठीक है पंगा मत लेना बेटा युगांडा वाली लड़कियों से, ठीक है युगांडा वाले युगांडा देंगे भाई। इसको बम्बू पड़ा है अभी भयंकर वाला, ठीक है इसको फटका पड़ी है इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। मैं तो भाई यही बोलूंगा कि यार लड़कियों से पंगा मत लो भाई, स्पेशली युगांडा वाली से बहुत भयंकर होती है भाई वो, प्लीज हाँ प्लीज रिस्पेक्ट करो, दैट्स इट, बात खत्म ब्रो, रिस्पेक्ट और कुछ नहीं, समझा तू? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, हाँ नहीं समझा, अग्री कर। हमारा व्लॉग यहीं तक था, सो चैनल को कुछ बोलना चाहेगा तू चैनल के बारे में? लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए प्लीज, ठीक है भाई ने बोला है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, और क्या बोलते हैं ऐसे प्यार देते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेते आते रहेंगे। ओके क्यों ब्रो कुछ बोलना चाहेगा? थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ओके और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को ईशान ठाकुर को। भाई कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है, आबाद रहो, और सो हमारा एक्सप्लोर, हाँ तो हमारा एक्सप्लोर हो चुका है, कमेंट सब्सक्राइब एंड बेल का बेल टाइम, घंटी को मत दबाओ, घंटी को दबाओ, घंटी को दबाओ यार, घंटे को नहीं दबाओ ऐसा मत बोल यार, प्लीज यार। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।